सर आप सबको मेरा प्रणाम, जितने भी मीडिया कने आए यहाँ पे, जितने भी, सबसे पहले बता दूँ मेरे जितने भी गेस्ट हैं सबको प्रणाम करता हूँ मीडिया के माध्यम से। एक और मेंटल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। मुझे भी एक्चुअली बहुत ही एक डिफरेंट टाइप का स्टोरी चाहिए था, वो है। मेरे प्रोड्यूसर गुड्डू जी बोले कि नहीं विजय, जितने भी है बड़े स्टार जिनको बोलना नहीं चाहिए मुझे, काफ़ी सारे, कि उतना जब मेकिंग में करके क्यों नहीं मैं तुम्हें लेके फोन बनाऊँ। बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूनिक स्टोरी है। एक्चुअली बचपन से ही मेंटल रहता है, पैदा ही होता है मेंटल होते हैं, और एक ऐसा सिचुएशन आता है कि ठीक हो जाता है और फिर भी वो मेंटल ही रहता है पूरी फिल्म में। इवन लास्ट में क्लाइमेक्स में पता चलता है कि ये ठीक हो चुका है, और किस तरह से अपने फैमिली का जो बर्बादी है, अपने मॉम डैड का जो फैमिली जो बर्बाद करता है, एक ठाकुर जिस टाइप का एक विलन है, उसको बहुत ही सातिर दिमाग से मारता है, पागल होते हैं। ओके मैम, आपका किस तरह का किरदार इस फिल्म में, कुछ बताइए। एक्चुअली इस फिल्म में मैं की नहीं हुई है तो मुझे अभी कंफर्म पता नहीं है, लेकिन जो स्टोरी है बहुत अच्छी है, और मैं यही शुभकामनाएं दूंगी कि बहुत अच्छी जाए, सुपर डुपर हिट जाए। और विजय जी बहुत अच्छे आदमी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं हमेशा यही दुआ करूंगी कि बहुत अच्छा। ओके सर, कुछ बताना चाहिए कि फिल्म के बारे में, किस तरह की फिल्म है और कब तक ये फ्लोट पर जाएगी शूट करने के लिए? शूट पर हम लोग तो जा रहे हैं जून, और ये मूवी बहुत हटके है, इसमें पूरा पागलपन का दिया हुआ है। मतलब हीरो बचपन से ही पागल है, और टाइटल से ही पता चलता होगा टाइटल ऐसा यूनिक पागल होगा वो फिल्म में। मतलब ऐसा एक सिचुएशन आता है, हीरो ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा पागल ही है, मजा आएगा। इंटरवल तक हीरो बचपन में मतलब पागल है, ऐसा एक सिचुएशन आ रहा है कि जैसे फिर वो ठीक हो जाता है। और एक ये पूरी एक्शन मूवी है, मेंटल और रोमांटिक भी है। कहाँ कहाँ शूट होगी ये फिल्म? ये पूरे बिहार में शूट होगी, पटना में हम लोग शूट करेंगे। जी हाँ, ये मेरी डेब्यू फिल्म है और बहुत ही खुश हूँ मैं। एक्चुअली मुझे तीन चार फिल्में और मिली थी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो स्टोरी समझ में आया, क्योंकि एज अ हीरो के लिए एक पहली एंट्री और पहली बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए था मुझे, और बहुत ही रुझान आया मुझे कि एक अच्छा स्टोरी करूँ मैं। तो इस फिल्म की गायकी का ज़्यादा देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, इसमें मैं मेरा जो जॉनर कर रहे हैं वो गुनगुना के सुनाइए कि कौन सा रैप है आपका ये। विजय जी पहले, उसके पहले थोड़ा सा पोस्टर के बारे में बताएं, बड़ा रंगीला ही और बड़ा कहते पगड़ी वगड़ी बांध के सनी देओल के रूप में घायल वाले रूप में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? जी एक्चुअली ये कैरेक्टर ही मेंटल है, उसको जो जब दिल में आता है वही करता है, उसको इतना भी पता नहीं कि कब खाना, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, उसको बॉडी में एहसास ही नहीं, जो मन में आ जो दिखा वो करता है, और इसी अंदाज में कभी कम्बू कभी डंडा, मतलब उसकी जितनी शक्ति है उस हिसाब से वो करता रहता है। पोस्टर का दर्जी से यही है। गुरु सिन्हा विश्वनाथ राजपुरी जी ने गाना बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक सॉन्ग लिखा है इस फिल्म में, जो बहुत जल्दी हम लोग डब करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा गाना है, गुनगुनाना चाहूँगा लेकिन क्षमा चाहूँगा, गला मेरा बैठा हुआ है, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। बहुत ही अच्छी लाइन में सुनाऊंगा आपको रोमांटिक। हो रब के राचल इस पे सर तू ना मुना बाड़ हो, हमरा जिंदगी के साचो तू तो सोना बाड़ हो, रब के राचल इस पे सर तू ना मुना बाड़ हो, हमरा जिंदगी के साचो तू तो सोना बाड़ हो, तोहरा रूप में हमरा के हार मिल गई, तोहरा रूप में हमरा के बा हार मिल गई, शुक्रिया भगवान के तुहर प्यार मिल गई, शुक्रिया भगवान के हमर प्यार मिल गई। इस टाइप का रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है, भी आया विजय जी।